बाबा को मेरे तरफ से जो है उतना में सोना देने के लिए आया है। इधर बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं शिरडी में, और अच्छा होना बोल के समझ रही हूँ मैं। मेरा हस्बैंड पति ने गुजर गया था 1.5 साल पहले, उसलिए बाद में मेरे पास जो जो गोल्ड था वो बाबा को देने के लिए समझा, उसको मैं माला बना के उसको वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को नहीं है। जो मैं दे रही हूँ वो मन से पूरा ये मन से दे रही हूँ, बस उतना ही है। भगवान के पास मेरा जो दिया है वो बहुत ही कम है बस। मेरे हस्बैंड भी एक IAS ऑफिसर थे, वो मर गए हैं। वो वेस्ट बंगाल का ऑर्डर का है, एक्स चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल का है। मैं हैदराबाद में होम मेकर हूँ, थोड़ा सा बिजनेस करती थी, बस इतना ही होम मेकर ही हूँ। मेरे को 3 लड़कियाँ हैं। क्या मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जो मैं नहीं पहन रहा हूँ क्यों देना मेरे बच्चों को उधर देने के लिए। वो लोग अच्छा है, बड़ा हो गया कर ले रहे, जो दे रहे हैं वो बाबा दे। मेरा हस्बैंड क्या है, भगवान के समान। सब लोग बोलते हैं ना पति तो भगवान होता है बोलते ना, तो भगवान को ही दे रही हूँ मैं, और क्या बताना। आनंद होने के लिए और क्या होना, जो पति दिया वो उनको ही दे रही हूँ बस। आज एक भाविक महिलेनी आपल्या अंगावरच्या सोन्याचा एक बाबांसाठी हार बनवलेला आहे। आज त्यांनी तो बाबाच्या चरणी अर्पित केलेला आहे, आणि त्यांना असं वाटत होतं म्हणजे ते की बाबांनी प्रत्येक अडचणीच्या क्षणी त्यांना अडचणीतून बाहेर काढलं, त्यांना मदत केली, कुठे ना कुठे कृतार्थतेची भावना बाबांच्या चरणी अर्पित व्हावी म्हणून त्यांनी तो हार बाबांच्या चरणी आज अर्पित केलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज त्यांनी जो हार अर्पण केलेला आहे त्याच्यात त्यांनी आपल्या लग्नाचे सर्व दागिने, इव्हन मंगळसूत्र पण टाकलेलं आहे, आणि ते सगळे दागिने बाबा हाराच्या रूपाने बाबांच्या चरणी अर्पित केलेले आहेत।